सपा के इस पोस्टर को बीजेपी देख लेगी तो ब्राह्मणों को क्या मुंह दिखाएगी। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों के बाद अब ब्राह्मण भी आ गए सपा के साथ। बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला पोस्टर देखकर अखिलेश गदगद, ब्राह्मण होश। रामचरितमानस पर भाजपाइयों ने अखिलेश को घेरने की कोशिश क्या की, मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। पहले अखिलेश ने शूद्रों का मुद्दा उठाकर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों को अपने साथ कर लिया। अब इसी मुद्दे पर ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी कर ली है। पहले सपा के लखनऊ दफ्तर के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं का पोस्टर लगा, अब लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है का पोस्टर लग गया है। लखनऊ में लगे इस पोस्टर के बाद ये साफ हो गया है कि सपा बीजेपी के किसी भी एजेंडे को नहीं चलने देगी। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं उसका विरोध कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि सपा बीजेपी के रामचरितमानस पर चलाए जा रहे एजेंडे का पूरी तरह से पर्दाफाश करने का मन बना चुकी है। सपा के मीडिया सेल ने भी ट्वीट कर लिखा है, रामचरितमानस की दलित और नारी विरोधी चंद पंक्तियों पर तर्क वितर्क की आड़ में भाजपाइयों ने रामचरितमानस की प्रतियां खुद जलवाई और सपा पर झूठा इल्जाम जड़ दिया, जिससे सपा बदनाम हो जाए और भाजपा को इसका सियासी फायदा मिल सके। भाजपा षड्यंत्रकारी पार्टी है और समय समय पर दंगा फसाद करवाती है। इसके साथ पेपर का एक कटिंग भी सपा ने लगाया है जिसमें हेडिंग लगी है, झूठ फैला रही भाजपा, सत्ता में झूठ बोलकर आई। आपको मालूम हो कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने हरपालपुर थाने के बैठापुर गांव पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा कार्यकर्ताओं पर लगे रामचरितमानस को जलाने के आरोप को उन्होंने सिरे से नकार दिया, साथ ही भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। इसी के साथ सपा के मीडिया सेल ने एक और ट्वीट कर लिखा है, बीजेपी की हर साजिश और झूठ में मीडिया भी शामिल होती है। बाकायदा प्लानिंग करके बीजेपी सोशल मीडिया और मीडिया का दुरुपयोग करके जनता को भ्रमित करती है और असल मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाती है। बीजेपी के एक दोस्त उद्योगपति के घपले घोटालों से ध्यान हटाने हेतु बीजेपी ने यह विवाद किया है। इन दोनों ट्वीट और सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए इस नए पोस्टर के बाद भाजपाई बैकफुट पर आ गए हैं। एक तो अखिलेश यादव ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे साफ हो गया कि सपा बिल्कुल रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, ना ही वो रामचरितमानस का विरोध कर रही है, वो सिर्फ रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के गलत शब्दों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी इन पर जानबूझकर विवाद करके जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सपा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसी कड़ी में बीजेपी पर अखिलेश के बरसने के बाद लखनऊ सपा दफ्तर के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर लगते ही भाजपाइयों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि अब वो रामचरितमानस पर विवाद नहीं कर सकते हैं। सपा ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, अखिलेश के इस पलटवार की उम्मीद बीजेपी को नहीं थी, तभी तो वो बजट के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय रामचरितमानस के मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे थे ताकि उन्हें इसका सियासी लाभ हो सके, लेकिन अखिलेश ने उनकी ये चाल पहले ही समझ ली थी। तभी तो पहले पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए मैं भी शूद्र हूं का अभियान चलाया, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनको जगह भी दी। अब ब्राह्मणों को साथ लाने की कवायद के तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वो रामचरितमानस के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। साथ ही लोगों को मीडिया से भी आगाह रहने को कहा गया है, क्योंकि ये मीडिया का दुरुपयोग कर जनता का ध्यान भ्रमित करने का काम करते हैं। अब बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। शूद्रों का मुद्दा उठाकर अखिलेश ने पहले ही पिछड़ों, दलितों और अति पिछड़ों को अपने साथ कर लिया है। अब ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कवायद करके संदेश देने की कोशिश की है कि 2024 की लड़ाई में वो सबको साथ लेकर बीजेपी को मात देंगे और किसी भी चलाए गए एजेंडे का इसी तरह से पर्दाफाश करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।